हेलो दोस्तों, यूट्यूब पर दो तरह के लोग होते हैं। पहला क्रिएटर जो कि वीडियो बनाते हैं, दूसरा व्यूअर्स जो कि वीडियो को कंज्यूम करते हैं। आप में से कुछ लोग क्रिएटर होंगे जो कि यूट्यूब पे वीडियो बनाते होंगे और कुछ लोग कंज्यूमर्स होंगे जो सिर्फ वीडियो देखते होंगे। क्रिएटर्स के उनके चैनल पर कुछ अचीवमेंट कंप्लीट करने के बाद यूट्यूब उनको कुछ अवार्ड देता है जिसको YouTube प्ले बटन कहते हैं। तो क्या आपको पता है YouTube पर कितने टाइप्स के प्ले बटन्स होते हैं और वो कितने सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर मिलते हैं? तो आज की वीडियो में मैं आपको YouTube के सारे प्ले बटन्स और वो कितने सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद क्रिएटर को मिलते हैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। YouTube का पहला अवार्ड है सिल्वर प्ले बटन, जो कि 100K यानी 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर मिलता है। YouTube का दूसरा अवार्ड है गोल्ड प्ले बटन, जो कि 1,000,000 यानी 10,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर मिलता है। तीसरा अवार्ड है डायमंड प्ले बटन, जो कि 10,000,000 यानी 1,00,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद मिलता है। डायमंड प्ले बटन तक के बारे में आप में से बहुत लोगों को पता होगा, पर इसके आगे के प्ले बटन्स के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा, क्योंकि इंडिया में किसी भी इंडिविजुअल क्रिएटर को डायमंड प्ले बटन के आगे के कोई से भी प्ले बटन्स अभी तक नहीं मिले हैं। तो अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ डायमंड प्ले बटन के आगे आने वाले बटन्स के बारे में। तो YouTube का फोर्थ अवार्ड है कस्टम प्ले बटन, जो कि 50,000,000 यानी 5,00,00,000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट होने के बाद मिलता है। कस्टम प्ले बटन का नाम रूबी प्ले बटन भी है, पर इसका ऑफिशियल नेम कस्टम प्ले बटन ही है। YouTube का पांचवा प्ले बटन है रेड डायमंड प्ले बटन, जो कि 100,000,000 यानी 10,00,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद मिलता है। तो यही पांच टाइप्स के प्ले बटन्स YouTube क्रिएटर्स को देता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।